देखिए मेरा पतंग कितना लंबा, इसका पुछल्ली दिया हुआ है। तो दोस्त अभी हम चढ़ रहे हैं छत में, कैसे चढ़ेंगे, छत से उड़ाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं कैसे हैं आप लोग, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज बहुत हवा ही बढ़िया चल रहा है, इसीलिए हम पतंग उड़ाने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखिए हम कैसे पतंग उड़ाएं। उससे पहले हम थोड़ा सा आंगन को झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि मेरा घर में है ना, आंगन में बहुत ही पत्ता गिर गया है इधर इधर। देखिए गाय रहती है मेरा इधर। ये पेड़ हम लगाए थे आंगन में एक छाया के लिए, मगर मर गया, मेहनत बेकार हो गया इससे। ये आम का पेड़ था, मगर देखिए सूखा हुआ है, तो क्या करें, फिर से नया लगा देंगे इसी में। तो बहुत इधर इधर पत्ता उत्ता गिर जाता है ना दोस्तों। तो दोस्तों आंगन को झाड़ू कर लेते हैं, क्योंकि आंगन में बहुत पत्ता गिर जाता है। देखिए इधर गिरा हुआ कितना। तो अभी हम लगा लेते हैं, झाड़ू साफ कर लेंगे, क्योंकि आंगन को नहीं साफ सुथरा रखने से कोई दिक्कत हो जाएगा ना, और अच्छा नहीं लगता है, पत्ता तो गिरेगा ही। और अभी हम सभी को हम झाड़ू बढ़िया से लगा लेते। देखिए कितना सुंदर मेरा आंगन दिखने लगा। अब आंगन में झाड़ू लग गया है दोस्तों, और देखिए अभी हम बढ़िया से दिखाएंगे। झाड़ू रख लेते हैं पहले, हो गया है मेरा रखने के लिए। देखिए मेरे आंगन में अभी झाड़ू लगा लिए हैं। तो दोस्तों मेरा आंगन बढ़ा गया है अभी बहुत अच्छा से, बहुत ही अच्छा से हम आंगन बढ़ लिए हैं। देखिए इधर झाड़ू लग गया, पूरा साफ हो गया चप्पल और भी है। सो इधर झाड़ू लगा के इधर देखा, आंगन साफ हो गया है। सो और अब हम चलते हैं, पतंग उड़ाएंगे ना उसके लिए। पहले तो देखिए दोस्तों इधर देखिए मेरा खुट्टा है, और इसमें रस्सी जो लगी है ना, इसमें गाय बांधते हैं। तो गाय अभी घर में नहीं है, वो चरने गई है, इसीलिए अभी उसको खोल दिए हैं। बांधते हैं गाय को, और वो क्या करें, गांव में ऐसा ही काम होता ही है दोस्तों। तो देखिए अभी हम जा रहे हैं छत, उसी सीढ़ी से चढ़ेंगे छत में, क्योंकि मेरा पास चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं है छत। तो अभी हम इसी से चढ़ रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हम पतंग ले लेंगे। इधर बकरी मेरी बांधी हुई है, देखिए ये मैं करती रहती है, इसका नाम है झिलमिल। देखिए दोस्तों मेरा पतंग, और इसका पुछल्ली हम कितना बड़ा लगाए हैं, एकदम उड़ेगा चकाचक, बहुत ही लंबा पुछल्ली है, एकदम पूरा बढ़िया से उड़ेगा दोस्तों। तो वीडियो में एंड तक देखते रहिए, आप लोग बने रहें, और पतंग का आनंद लीजिए। देखिए पतंग मेरा बहुत ही अच्छा से उड़ेगा। अभी हम छत में चढ़ते हैं, कैसे, इसी से चढ़ना पड़ता है, सीढ़ी नहीं बना है ना, तो क्या करें। तो दोस्तों हम छत पर आ गए हैं अभी, और अभी हम यहीं पर से उड़ाएंगे ये पतंग को। तो अभी देखिए हम आपको छत का दिखाते हैं कैसे है छत मेरा है। तो छत में देखिए इधर मेरा क्या है, ये विष्णु भी पतंग यहाँ से उड़ा रहा है, कृष्णा उधर नाच रहा है, और इधर देखिए दोस्तों मेरा आंगन में है ना, बहुत पीपल का पेड़ भी है, और पीपल का पेड़ है, बेल है, इसमें बेल देखिए फला हुआ है, बहुत ही बड़ा बड़ा बेल है। बेल जानते हैं गर्मी के मौसम में इसका शरबत पीने में बहुत ही मज़ा आता है, और एकदम गर्मी का महसूस नहीं होता है दोस्तों। देखिए अभी पका नहीं है, पकेगा तो होगा। और इधर देखिए छत में गेंदा का फूल लगाए हैं, मगर धूप में जानते हैं पानी देते हैं, मगर कि मर जाता है, सूख जाता है सब। और उधर देखिए एक बेल गिर गया है, कैसे गिर गया, बच्चा लोग तोड़ दिया ना। अब इधर देखिए कृष्णा,
कृष्णा, पतंग उड़ाएगा क्या? अरे पतंग मेरा उड़ नहीं रहा है, गिर जाता है। हाँ, उठो तो, हवा चल रहा है, देखो मेरा पतंग। उधर देखिए छत के, हाँ, मेरे बगल में ही देखिए ग्राउंड दिखता है, गिर गया तो, जा कट गया। तो इधर बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मैदान है। और इधर देखिए, अभी हम चलते हैं, नीचे जाना पड़ेगा लगता है, क्योंकि यहाँ पर नहीं उड़ रहा है। इधर पत्ता उत्ता देखिए छत में गिर गया, झाड़ू नहीं लगाए है ना, इस कारण से सब हवा ही बहुत चलता है और गिर जाता है बार बार। इधर देखिए पतंग मेरा नीचे, उधर मत जाओ। उधर ग्राउंड देखिए, ग्राउंड में बहुत ही खेल कूद सब होता है, मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं नीचे, और नीचे में ही एक पतंग उड़ाएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नया होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी करिएगा, तब कि आप लोगों को मेरा हर नया वीडियो आप लोगों के पास आ सके उतना। तो दोस्तों देखिए अभी हम नीचे आ गए हैं और पतंग उड़ा रहे हैं, अभी अब उड़ाएंगे। देखिए मेरा पतंग उतना ऊपर उड़ रहा है आसमान में, हवा आज बहुत ज्यादा ही है इसीलिए इतना तेज हमारा पतंग उड़ रहा है। गिरा लग तो पीछे आ जाए। हवा में है ना गंद पतंग बहुत अच्छा, मगर टूटेगा ना रस्सी, चल जाएगा कहाँ से पता नहीं चलेगा। इधर देखिए रस्सी को खींचना पड़ता है, गिरने लगता है ना, इसीलिए क्या करें। आज पहली बार हम पतंग उड़ा रहे हैं दोस्तों, देखिए मेरा पतंग बहुत आसमान में उड़ रहा है। तो आज के ब्लॉग में बस हम पतंग उड़ाने के लिए ही रखे थे दोस्तों, अब ब्लॉग को हम यहीं रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगला ब्लॉग में। तब तक मेरा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। गिर गए।